चीन और ताइवान के बीच तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि युद्ध जैसे हालात इस वक्त बन गए हैं। अमेरिका ने चीन को सबक सिखाने के लिए ताइवान का साथ देने की घोषणा कर दी है। उधर सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में कहा गया है कि ताइवान ने चीन के फाइटर प्लेन को गिरा दिया। हालांकि चीन और ताइवान दोनों ने इस खबर को गलत बताया है, खंडन किया है। आप 100 सेकंड में देखिए, लेकिन फिर भी इस पूरी खबर को लेकर सस्पेंस बरकरार है। खबर आपके सामने। चीन और ताइवान में आबार पार। ताइवान का चीन पर हवाई वार। चीन का गुरूर अब होगा चकनाचूर। साउथ चाइना सी में नहीं चलेगी दादागिरी। ड्रैगन के खिलाफ अमेरिका ने कसी कमर। चीन के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार। आग की ये लपटें, धुएं का ये गुबार ड्रैगन की नाकामी का सबूत हैं। सबूत हैं राख होती ताकत और खाक होती चीनी इज्जत का। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है। वायरल वीडियो में कहा जा रहा है कि ताइवान ने उनकी सीमा में घुसपैठ करने वाले चीन के सुखोई एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। पहले ये बात सामने आई कि ताइवान ने चीन के सुखोई विमान को मार गिराने के लिए अमेरिकी मिसाइल का इस्तेमाल किया। फिलहाल ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ट्वीट कर कहा है कि सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही हैं। एक बात तो साफ हो चुकी है कि चीन की ग्लोबल घेराबंदी बढ़ रही है। चीन घिर रहा है, ड्रैगन डर रहा है, तभी तो सन की जिनपिंग की बौखलाहट बढ़ गई है। चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ अमेरिका भी साउथ चाइना सी में ताइवान के साथ खड़ा हो गया है। चीन बीते महीनों में कई बार ताइवान की जल और वायु सीमा का उल्लंघन करते हुए उसे धमकाने की कोशिश कर रहा था। गुरुवार को भी चीन का एक फाइटर जेट ताइवान की हवाई सीमा में घुसा था, लेकिन अब अमेरिका ने साफ कर दिया है कि दक्षिण चीन सागर में चीन की धमकियां काम नहीं आने वाली। अमेरिका सभी छोटे देशों के साथ खड़ा है और अब चीन की गुस्ताखियों का एक एक हिसाब लिया जाएगा। साउथ चाइना सी में अमेरिका पूरी तैयारी के साथ मौजूद है। अमेरिकी निमित वॉरशिप 120 फाइटर जेट्स के साथ चीन की नाफरमानी का इलाज करने के लिए डटा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अपनी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को ताइवान स्ट्रेट में तैनात कर दिया है। अमेरिकी एनएसए ने भी साफ कर दिया है कि अगर ताइवान पर कोई हमला होता है तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। एक बात तय है कि अमेरिका ताइवान की हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार है, यानी चीन अब अपने ही जाल में पूरी तरह फंस चुका है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।